मेहंदी लगाऊं मैं तो सजना के नाम की। जी हाँ, औरतों का सबसे फेवरेट त्यौहार करवा चौथ ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ बाजारों में धूम मच गई है। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारों से बाजारों में रौनक बरकरार है और औरतों के खिलखिलाते चेहरे चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। क्या कपड़े की दुकान, क्या ज्वेलरी और क्या ब्यूटी पार्लर, हर जगह महिलाओं ने कब्जा कर रखा है। जहां एक तरफ साड़ी वाले साड़ी दिखाते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी तरफ मेहंदी लगाने वालों के हाथों को एक पल के लिए भी आराम नहीं है। और इस महंगाई में ज्वेलरी की दुकान भी खाली नहीं दिख रही। 4 नवंबर को करवा चौथ का शुभ पर्व है। इस त्यौहार को लेकर महिलाएं काफ़ी उत्साहित रहती हैं और इसी के लिए वे खूब तैयारियाँ भी करती हैं। नए कपड़े, गहने और मेहंदी इस पर्व का खास हिस्सा है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर सुहागिन की तरह ये पूरी तैयारियां भी करती हैं। जिसके जो कि परसों हमारा बहुत बड़ा त्यौहार करवा चौथ है, जो हम अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए रखते हैं। इसी की तैयारी के लिए हम मानसी मेकअप स्टूडियो पे हैं। और आपने क्या किया आज जैसा? आज मेहंदी लगवाई और फेशियल हो गया, इस सब टाइप के तो यानी तैयारी चल रही है। हाँ जी, पूरी तरह। ये आज हम सुनार के पास आए हैं, कल परसों करवा चौथ है तो इसीलिए हम सोने का सामान करवा चौथ हम लोग जरूर खरीदते हैं। सुनार गली में आए हैं, अपने यहाँ से क्या कहते हैं करवा चौथ की खरीदारी करने के लिए आए। सर आपकी भी दुकान है? मेरा नाम साकेत स्वरूप रस्तोगी है। ये सब महिलाएं हमारे शॉप पे आई हैं करवा की खरीदारी करने के लिए। बुधवार को जैसा कि करवा चौथ है, परंतु इस वर्ष कोरोना काल की वजह से वो व्यापार नहीं है जो हर वर्ष होता था, अभी संतोषजनक ही है। न्यूज आर्टिकल 24x7 की तरफ से आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो आप सबकी मनोकामनाएं पूरी कर हर सुहागिन की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। वीडियो डेस्क, न्यूज आर्टिकल 24x7।